हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं लास्ट पार्ट किसका, पीएम मोदी की फैंटास्टिक इंटरव्यू का रजत शर्मा के साथ। अगर आप लोगों ने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं, इसी चैनल पे हैं, उनको ज़रूर देखना। क्या कमाल के क्वेश्चंस हैं और उससे कमाल के आंसर्स हैं, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही। मेरे ख्याल से मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी फैंटास्टिक मोदी जी के अलावा किसी और से इस टाइप की इंटरव्यू या स्पीच कभी नहीं सुनी है। बहुत फ्रैंकली बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे लगता है कि कोई फैमिली मेंबर तुमसे बात कर रहा है दिल खोलकर। मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर तो किसी तरह से लगा ही नहीं, वो ऐसे लगता है कि पूरी जो ना अपनी फैमिली को साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। और इतना अच्छा बोले, खासकर जब बता, मतलब मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी कि वो दिल खोल के बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि भैया जो मैंने पहले भी ये शेयर किया था, जो मेरे को सच्ची में कि कोई पीएम ऐसी बात नहीं करेगा कि आप जब कहीं बाहर विदेश में जाते हो तो किस टाइप की फीलिंग्स आती हैं वहां के लीडर को देखकर। मैं बताऊंगी नहीं क्या मोदी जी ने बताया, अगर आप पहले दो पार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा, और वो सच्ची फीलिंग्स। और कोई पीएम ऐसी बात नहीं करता, सिर्फ पीएम कोई नहीं आती, हर एक इंसान को आती है। इंडिया के लोग यहाँ रहते हैं उनको फीलिंग आती है, वो कुछ ना कुछ आती ही है। ओके, किसी को ज्यादा किसी को कम, पर कुछ ना कुछ तो होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे किसी के कोई बड़ा अच्छा मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता हूँ। देखा, किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता हूँ। मेरे देश के लोगों की जिंदगी बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए इसलिए मैं सरकार चलाता हूँ। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकलाऊंगी। आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जगह, और ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कौन सी वीडियो? मोदी जी पसंद है? अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है, सबसे बेस्ट काम कर रहा है, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं था और कौन अच्छा है? वही तो, इतना पार्टी आया इतना गया, कोई देश का भलाई किया? वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। ये हमने देखा था। अच्छा, वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, ब्लॉक में देंगे। अच्छा, क्या कुछ ना मिला? अरे हम कही अली की गोगी मोदी के लिए हम ऊपर रखूंगा, हम देखूंगा वोट कही के लिए, हमें खाई कर लेना, पैसा देना। सच्चो? जब तक झूठे घर मारा बढ़ा दिया। अच्छा, शौचालय मारे बढ़ा दिए, 500 रुपए तिल चला था मारे, और क्या भाई, मा तो मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी, और क्या। अच्छा, मोदी जी को और एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूं देखा कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही है। लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी। और यही मेरी ताकत है देखा। और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है, लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूँ मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया, और मैं इसीलिए, और मैं दोनों, अगर ये माँ आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूँ, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम उतनी ही लगन से करता हूँ। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष में हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुँचता है वो डिजिटल है इसलिए पहुँचता है। बिल्कुल, एस जयशंकर आपके अदालत में आया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया,
और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। हमारे को भी तो कागज ही मिला था। लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। ये समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, वही तो अपनी देश को टेक का तो क्या देखना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों पहले। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दूसरी है, G20 समूह में मैंने देखा दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा। लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। जय शंकर का जो बेटा है वो भी USA में है, मुझे आज पता चला। कोविड के समय दुनिया के कई देशों ने, समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाए, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूँ ना, 2000 रुपए साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा हो, 30 सेकंड। हमने और सीधे जा रहे हैं, कोई खा नहीं रहा बीच में। जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ तो एक तो ये जो एजेंसियां वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हमने करीब करीब 35-38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 10 साल में। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। इस बीच में वो, अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था, क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी, वही तो उन्हीं के लोग खा रहे थे। पंजे के हाथ में झाड़ू भी है। तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी। अब इसलिए आप देखिए, उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता, ओ, कितना आगे तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया होता। अब ये पैसा सीधा जाता है उसके खाते में जाता है, तब जाकर के आवाज निकलती है, जो दिल की आवाज है ना, उसके कारण। अब उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा है। उसका असर देखिए, सरकारें तो पहली भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे। तो आपने क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा Correct. जाता है, ये बूढ़ी माता इस तरह की बात कहती है, सभी लोग वही थे पहले भी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके के आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरा, मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया, और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है, तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ, मैं जब थोड़ा लंबा सर कितने स्माइल से सुन रहे हैं, दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो देखिए, आप ये नहीं आएंगे तंग का, हम लोग वो देखा नहीं सब प्यार से। तो सब दो अनुभव सुनाना चाहता हूं, सुना समझो जितने मर्जी, कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं अचानक, मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को,
2001 को। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्ग का कुछ समझ ही नहीं थी, इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला, तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंप ग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा। ये मोदी जी ने एक और इंटरव्यू में बताया था ना। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में है ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। जनवरी बोला था क्या? मेरी मुझे पहली लड़ाई वही वाली बात है। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए, 26 जनवरी जब वही बात होगा, था किसी और दुनिया भर का मीडिया कुछ कचबुज में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको ये तुम बोल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है, मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करो, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंप ग्रस्त थे, तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंप ग्रस्त इलाके में, मंडे को दो शाम को मैं मीटिंग लूंगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर करके आओ। मैंने कहा अब ये गए वापिस आए, मैंने मीटिंग ली, बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? चेंज करो। एयर कंडीशन का बन करके बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। वाह। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने दिल्ली में कुछ कुछ याद है इस बार एमबीसी को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने धूम मच गई थी कि एकदम से इतना कुछ किया। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था, और आप मीडिया देख लेना सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं। मुझे याद आ रहा है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही सर। फिर मैंने यहाँ आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूँ। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं, कई लोग तो ऐसे जो दो दो चार चार प्रधानमंत्री देख चुके हैं, तो उनके लिए तो ये सब चना मोमरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की, मैंने कहा भाई ये काम करना है, आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बन गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहां वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी, और आकर के मुझे बताइए बदलाव है। आप वहां से यहाँ पहुंच गए, वो वहां से कहाँ पहुंचे, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो कहाँ, वैसे का वैसे ही रह गया होगा। मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई, हम 30 साल पहले जहाँ गए थे वैसे का वैसे, वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बना ही नहीं दिया, तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूँ, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका बदल दें
तो स्थितियां बदली जा सकती है और वो मैं बदल रहा हूँ। लोगों को जागरूक कर, उनके अंदर का इंसान जगाओ। मैं विरोध पक्ष को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने के लिए, इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप, और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। हैं क्या कर लिया? मैंने यहाँ देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं है। अब वो कौन है? SC ST OBC वही समाज है। मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो साहब बैंक वालों ने कहा साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली, मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है बिना पूंजी डाला है, तो फिर बोले कहा स्टेशनरी का खर्चा होगा, मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे लेकिन मुझे खाते खोलना, लेकिन बोले साहब हम घोषणा कर देते हैं जो भी आएगा, जो आएगा नहीं ढूंढना है किसका खाता नहीं खोला उसके घर जाना है। खैर मैंने सब बताया, हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो यहीं से पले बड़े थे आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी, तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक, मैंने कहा ऐसे नहीं भाई मैं हर हफ्ते पूछ मीटिंग लूंगा गुड, और मैं कहा आपको भी बैठना होगा। वाह, तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते में बुलाता तो बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, क्लास ले कौन से बैंक का कितना, तो बोले साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे करता है, मैं कहा ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है, और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की, मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है, कोई अच्छा करता तो उसको फोन करता यार तुमने बड़ी मेहनत की तुम्हारे इलाके के तो सारे बैंक अकाउंट खुल के कैसे किया, तो मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट है और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है कि और लोग कहते हैं मोदी जी को नहीं देना। अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था तो लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है, उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है, उस समय सिर्फ खाते खुलता था, मैं आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूँ उसके माध्यम से, और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके बताया था, और कभी पति की आदत ये दिल्ली जैसी सरकार हो किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था, तो मैंने कहीं की जिंदगी बचाई है केजरीवाल और ये पार्टी तो था एक के साथ एक बोतल फ्री। इसका कारण है कि उनको हर बोतल पे पैसा कमीशन मिलता है, भ्रष्टाचार उनका बोतल पे है और इसलिए वो फ्री देने में कमीशन उनका तो पक्का है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है वो अफसर रहे हुए इसको मालूम है सरकार किस प्रकार से करते हैं उन चीजों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। तभी तो मैंने कहा था जो जो यही मैंने बोला था उसको बड़ी सुविधा रहती है, जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी CBI ऐसे जाएगी, इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। देखा के रखता है ये मैंने पहले बताया आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करें। मैं बोला था कि he's too smart, ये होता है जो ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे भी होंगे करप्ट हों। सुधीर सेठ का एक सवाल है, सुधीर सेठ मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य NRI बाहर रह रहे हैं उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद भी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क है वहां जो लोग रहते हैं वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है यूरोप में अमेरिका में, ये हमको हम बोलते हैं नाराज। ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था भाई स्थितियों में क्या लगता है आपको, और मुझे और यहाँ आपने देखा होगा जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो, उनके बयान है। अच्छा उनके थ्योरी ये था कि नोट छापो और नोट बांटो अच्छा देश बचेगा नहीं। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के
इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के मिलते थे। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ना नोटे छापूंगा ना मैं नोटे बांटूंगा। ये एक निर्णय मैं करी, दूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूँ जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता होगा, वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमई को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूँ, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा। उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहाँ जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिस्ट मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं शायद, मैं आपको हैरानी होगी जानकर के, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूँ, शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है। वो क्या होता है रात्रि मुकाम? इस देश के 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम किया हुआ मैं इंसान हूँ। जी वो क्या होता है? दरी पर सोकर के निकला हुआ इंसान हूँ। रात्रि रात में काम किया, जमीनी चीजों की समझ है, और यहाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज है। इन सबको जब मिला करके मैं निकालता हूँ, उसमें से एक पॉलिसी बनती है, और उसका परिणाम है कि आज इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मनमोहन सिंह के समय आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था। इतना ही नहीं, अगर लाल किले से पंडित नेहरू का एक भाषण आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि ये गूगल गुरु वाले जितने विद्यार्थी हैं वो जरा यूट्यूब पर जाकर के देखें, पंडित नेहरू का लाल किले का भाषण है। अच्छा। और लाल किले के भाषण पे, वैसे आप इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का सुनिए, इन सबके भाषण में एक चीज कॉमन है, एक गरीबी हटाओ, जो हटी नहीं इनसे, दूसरा महंगाई, इन सबके भाषण में लाल किले से। और कारण क्या दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कारण ये दिया कि महंगाई बहुत है, मैं जानता हूँ आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमें जरा महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। उनकी लड़ाई से हमारे समय उनका भाषण, तब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के लिए भारत का कोई लेना देना नहीं था। वही तो मैं बोली, उसके बाद भी भारत की महंगाई के लिए उन्होंने ठिकाना पाया था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। ये नेहरू जी का भाषण अवेलेबल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी तो जो लड़ाइयां चल रही है उसमें तो है, उसमें फूड फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर सीधा इम्पैक्ट। इसके बावजूद भी आज दुनिया में यूरिया की बोरी 3,000 रुपए में बिकती है, इंडिया मेरे देश के किसान को 300 रुपए से भी कम में मिलती है। देखा, इसलिए मोदी जी को वोट करना, जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा। चीजों को उस प्रकार से सिस्टमेटिक कंट्रोल किया हुआ है, उसका परिणाम यह है कि देश में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं चल रहा है, देश में स्कैर्सिटी की भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक ढंग से चला पाए हैं। ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं लेकिन चिपकती क्यों नहीं है? चिपकती इसलिए नहीं कि ये पुराने डायलॉग लेके घूम रहे थे। अब आप पुराने डायलॉग से नई फिल्म बनाओगे तो नहीं चलेगी जी। कभी बॉलीवुड फ्लॉप हो रहा है। आज हम फाइनल राउंड में बस 2-3 मिनट में, एक सवाल राजेंद्र टिकिया का है। हिंदुस्तान की राजनीति जो अभी तक देखी है उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही है वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं,
हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अरे सारा परिवार, आप, हम सब, ये उनका परिवार है। मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में, अभी जितने दलों के अपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें तीन विशेषताएं कॉमन है इंडिया अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी यही है, ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है, कुछ लोग अलग तरीके से बोलते हैं, इतनी एनर्जी लाते गांव से, ऐसे पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं इतनी मेहनत काय कर रहे हो, क्यों मर रहे हो यार, 10 साल हो गए। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था, बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था। क्योंकि वो उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूँ कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूँ, वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूँ। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं, मोदी जी के 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती तो उतने घंटे में चल जाता है। मोदी जी के परिवार वाले बाहर भी रहते हैं देश से, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवार जन के लिए जीता हूँ और इसलिए मेहनत भी करता हूँ। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूँ आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 और 2047। अरे वाह, मोदी जी, एक क्योंकि चुनाव का वक्त है, तरह तरह के प्रेडिक्शन और दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या दावे कर रहे हैं लोग वो एक बार मैं दिखा देता हूं, ये मेरा फाइनल सवाल होगा। चुनाव ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में खत्म हो गया है, पिछले 4 फेजेस के परिणाम साफ है और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहाँ खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएगा। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं। मूड ऑफ कर दिया। ये प्रॉब्लम है, ये 2019 के वीडियोस हैं। अच्छा, आप एक काम अच्छा किया 2019 के जगह, मैं तो कहता हूँ आप 2014 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। 2019 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है, और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं, और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा के वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं। और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि तुम आंकड़ा कहाँ से देते हो, तुमने वो कौन से ईवीएम को पकड़ा है बता। अब देखिए उनको, आपने देखो गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा ना तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं चिंता मत करो ठीक हो जाओ। तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए मीडिया में जगह बनाने कुछ तो करना पड़ेगा। इतना भी ना कर दे भाई, अब 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे, 4 जून तक तो जिंदा रहने दो। 4 जून की बात नहीं, अब आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है, मैं अभी भी मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूँ वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता।
कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है और उसी को लेकर मैं करता हूं। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है। क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पर्पज को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। अपनी कंट्री जैसी कोई कंट्री। चार लाइनें लिख के भेजी है, इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं, हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। बहुत धन्यवाद। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात से कन्विंस हैं वो खड़े होके हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करें। सभी खड़े होंगे। बहुत ही प्यारा था एंडिंग में, मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई हूँ, पर देख लो सच्ची में मैं क्या बोलूँ यार, इतना प्यारा इंटरव्यू है, इतना प्यारा इंटरव्यू, इससे बेटर प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिल सकता है। इससे बेटर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं मिलेगा आपको। और इतना प्यारा बोला उन्होंने, अपना दिल से बोला है, फिर भी पता नहीं मंद बुद्धि लोग फिर पूछ लेते हैं कि मोदी जी को वोट क्यों दें, मोदी जी को वोट नहीं देना। भैया तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो, मुझे समझ नहीं आती जो तुम मोदी जी के अगेंस्ट हो। तुम्हारे में क्या, भगवान जी ने क्या गलत पुर्जा लगा दिया है वो तुम ही जानो। इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है तो पता चल जाएगा, मगर यही है कि होप यही है कि 400 पार हो और जिससे इंडिया और तेजी से आगे बढ़े। सच्ची में जो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी इस भाषण को सुनेगा, चाहे वो अनपढ़ हो, नहीं हो, जो भी हो, उसको इतना तो उसके दिल में आ जाना चाहिए कि अगर इंडिया को आगे लेके जाना है, मतलब खुद को आगे लेके जाना है, तो मोदी जी को देना पड़ेगा। मोदी जी ने एग्जांपल्स भी दिए और रजत शर्मा जी ने भी समझाने की कोशिश की लोगों को कि सेम लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं, सेम सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सब कुछ सेम है, फिर भी रिज़ल्ट अच्छा क्यों आया। सब कुछ तो सेम, वही लोग जाते हैं ऑफिस, वही लोग आ रहे हैं, फिर भी रिजल्ट, क्योंकि एक लीडर अच्छा था जिसने क्लोजली मॉनिटर किया, लोगों को इनकरेज किया कि ज़्यादा काम करो, समझाया काम करो और पूरा मॉनिटर किया और लेके गए वहाँ तक। तो अगर काम करना है तो अच्छे से करो, तो मतलब उन्हीं लोगों से जो रोज़ आते थे उनको मोटिवेट करके इतना सब कुछ किया और अच्छे डिसीजंस लिए कि वो नोट नहीं छापेंगे। तो वही कह रहे, बहुत सारे डिसीजंस भी लीडर ने लिए जो अच्छे थे। क्यों? क्योंकि लीडर स्टेट में काम कर रहा था काफ़ी समय से, तो काफ़ी अच्छा मोदी जी ने समझाया कि रीज़न है ये आने का। और आई होप कि लोगों को ये पता चले कि किसको वोट करना है। बिल्कुल, चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।